हाय फ्रेंड्स, आप सबको दशहरा त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको कन्नड़ में निम्मेल्लरिगू दशहरा हब्बद हार्दिक शुभाशयगळु बोलते हैं। तो त्योहार इसको कन्नड़ में हब्बा बोलते हैं। तो कोई भी त्योहार हो इसको हब्बा। आप सबको निम्मेल्लरिगू, तो सबको एल्लरिगू बोलते हैं। वही आप सबको निम्मेल्लरिगू दशहरा, इसको दशहरा बोलते हैं। दशहरा तो त्योहार की हब्बदा, तो त्योहार हब्बा बोलते हैं। वही त्योहार की हब्बदा हार्दिक हार्दिका शुभकामनाएं, इसको शुभाशयगळु बोलते हैं। शुभकामनाएं शुभाशयगळु, आप सबको दशहरा त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, इसको कन्नड़ में निम्मेल्लरिगू दशहरा हब्बद हार्दिका शुभाशयगळु। तो आप सबको निम्मेल्लरिगू बोलते हैं। वही हम सबको नम्मेल्लरिगू बोलते हैं। तो आप सबको निम्मेल्लरिगू, हम सबको नम्मेल्लरिगू। यदि आपको बोलना है आपके और आपके परिवार को दशहरा त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, तो इधर आपके निमगे और मत्तु, तो आपके निम्मा, तो इस वाक्य में आपके को निमगे का प्रयोग हो रहा है, इधर आपके निम्मा का प्रयोग हो रहा है। तो वाक्य का अर्थ के हिसाब से कभी आपके निमगे कभी आपके निम्मा का प्रयोग होता है। तो इधर आपके और आपके परिवार को यू एंड योर फैमिली, तो इधर यू निमगे, तो योर फैमिली निम्मा परिवार बोलते हैं। जब योर फैमिली बोलते हैं तो कन्नड़ा में निम्मा परिवार, तब आपके निम्मा का प्रयोग होता है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो आपके परिवार को निम्मा परिवार दौरेगे, तो परिवार इसको कन्नड़ा में परिवार अथवा कुटुंब बोलते हैं। परिवार अथवा कुटुंब, तो परिवार को परिवार दवरिगे। तो दशहरा त्योहार की दशहरा हब्बद हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभाशयगळु। तो आपके और आपके परिवार को दशहरा त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, इसको कन्नड में निमगे मत्तु निम्म परिवार दवरिगे दशहरा हब्बद हार्दिक शुभाशयगळु बोलते हैं। तो यदि आपको बोलना है देवी दुर्गा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे, तो इधर देवी दुर्गा, दुर्गा देवियो, तो आपकी निम्मा सभी इच्छाएं, तो इधर सभी यल्ला, तो इच्छाएं इसको इच्छेगळु बोलते हैं। तो इच्छा इसको कन्नड़ में इच्छे अथवा आसे बोलते हैं। जब एकवचन में बोल रहे हैं तो इच्छा इच्छे अथवा आसे, जब बहुवचन में बोल रहे हैं तो इच्छाएं इसको इच्छेगळु अथवा आसेगळु बोलते हैं। तो बहुवचन में इच्छेगळु अथवा आसेगळु। तो इच्छाएं पूरी करे, तो इधर पूरी करे इसको पूराइसली बोलते हैं। पूरी करे पूराइसली, तो इच्छाएं पूरी करे इच्छेगळन्नु अथवा आसेगळन्नु पूराइसली। तो देवी दुर्गा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे, इसको दुर्गा देवियु निम्म एल्ला इच्छेगळन्नु अथवा आसेगळन्नु पूराइसली बोलते हैं। तो आपको अच्छे स्वस्थ सफलता और खुशी का आशीर्वाद दे, तो इधर आपको निमगे अच्छे स्वस्थ उत्तम आरोग्य अथवा ओल्लेय आरोग्य बोलते हैं। तो अच्छा इसको आप इधर उत्तम अथवा ओल्लेय भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अच्छे स्वस्थ, स्वस्थ इसको कन्नड़ में आरोग्य बोलते हैं, जो हेल्थ इसको आरोग्य। तो अच्छे स्वस्थ उत्तम आरोग्य अथवा ओल्लेय आरोग्य। तो सफलता इसको यशस्सु बोलते हैं, जो सक्सेस इसको कन्नड़ में यशस्सु। तो और मत्तु, तो खुशी इसको संतोष बोलते हैं। तो कन्नड़ में खुशी संतोष अथवा खुशी भी आप बोल सकते हैं। तो खुशी का संतोषद आशीर्वाद दे, आशीर्वादवन्नु नीडली। तो आशीर्वाद इसको कन्नड में आशीर्वाद बोलते हैं। तो आशीर्वाद दे आशीर्वादवन्नु नीडली। आपको अच्छे स्वस्थ सफलता और खुशी का आशीर्वाद दे, इसको निमगे उत्तम आरोग्य यशस्सु मत्तु संतोषद आशीर्वादवन्नु नीडली बोलते हैं। तो इधर आप उत्तम भी बोल सकते हैं, नहीं तो ओल्लेय भी आप बोल सकते हैं। यदि आपको इस तरह विश करना है, अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, तो बुरे पर अच्छे की जय जयकार, यही है दशहरा की त्योहार। तो इसको अधर्म पर, तो अधर्म इसको कन्नड़ में अधर्मा बोलते हैं।
तो अधर्म पर अधर्म द बेले, तो धर्म की जीत, धर्म इसको धर्मा, तो जीत इसको गेलो बोलते हैं, तो जीत गेलो, वही हार इसको सोलू बोलते हैं। तो इधर धर्म की जीत धर्म द गेलो, तो अन्याय पर न्याय की विजय, तो अन्याय इसको कन्नड़ में अन्याया, तो अन्याय पर अन्याय द मेले, तो इधर अन्याय पर जब वाक्य में बोल रहा है तो अन्याय द मेले, न्याय की विजय, न्याय इसको कन्नड़ में न्याया, वही विजय इसको विजया, न्याय की विजय न्याय द विजया, तो बुरे पर अच्छे की जय जयकार, तो बुरा इसको कन्नड़ में केट्टद्दु बोलते हैं, अच्छा ಒಳ್ಳೆಯದು, तो इधर बुरे पर ಕೆಟ್ಟದರ ಮೇಲೆ अच्छे की जय जयकार, तो ಒಳ್ಳೆಯದ जय जयकार, तो इधर बुरे पर ಕೆಟ್ಟದರ ಮೇಲೆ, तो बुरा उसको ಕೆಟ್ಟದು बोलते हैं, वही अच्छा ಒಳ್ಳೆಯದು बोलते हैं, तो बुरे पर अच्छे की जय जयकार, ಕೆಟ್ಟದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದ जय जयकार, तो यही है दशहरा के त्योहार, तो ಇದೇ ದಸರಾದ ಹಬ್ಬ बोलते हैं, तो यही है इदे दशहरा के त्योहार दशहराद हब्ब। अधर्मद मेले धर्मद गेलवु, अन्यायद मेले न्यायद विजय, केट्टदर मेले ओळ्ळेयद जय जयकार, इदे दशहराद हब्ब बोलते हैं। तो यदि आपको इस तरह विश करना है, होती जीत सत्य की और असत्य की हार, यही है दशहरा त्योहार की संदेश, इसको आप होती जीत सत्य की, तो जीत इसको खनना में गेलो बोलते हैं, वही सत्य इसको सत्य बोलते हैं, जीत गेलो सत्य सत्य, तो होती जीत सत्य की इसको सत्य के गेलो, और मत्तु असत्य की हार, तो असत्य असत्य बोलते हैं, असत्य असत्य, असत्य की हार, तो हार इसको सोलू बोलते हैं, तो असत्य की हार असत्य के सोलू, तो यही है दशहरा त्योहार की संदेश, तो यही है इदे दशहरा दशहरा, तो त्योहार की संदेश हब्बदा संदेशा, तो ओती जीत सत्य की और असत्य की हार, यही है दशहरा त्योहार की संदेश, इसको खनना में सत्य के गेलवु मत्तु असत्य के सोलू, इदे दशहरा हब्बदा संदेशा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा, तो आप सीख चुके हैं कैसे, तो दशहरा त्योहार की शुभकामनाएं आप अपने दोस्तों को नहीं तो फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। तो आप सबको फिर से दशहरा त्योहार की शुभकामनाएं, इसको खनना में निम्मेल्लरिगू मत्तोम्मे दशहरा हब्बद शुभाशयगळु, तो इधर फिर से इसको खनना में मत्तोम्मे बोलते हैं, वंस अगेन मत्तोम्मे, तो आप सबको फिर से दशहरा त्योहार की शुभकामनाएं, इसको कन्नड़ में निम्मेल्लरिगू मत्तोम्मे दशहरा हब्बद शुभाशयगळु बोलते हैं। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।